प्यारे बच्चों, आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम कर रहे हैं कक्षा 8 का चैप्टर 11, बल तथा दाब। इसमें हम बल के परिमाण के बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, जब हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं तो वस्तु की अवस्था में बल के अनुसार परिवर्तन आता है। जैसे ये दो बच्चे इस बॉक्स को धकेल रहे हैं, तो इस इनके द्वारा लगाए गए बल के कारण यह बॉक्स बल की दिशा में गति करेगा। यदि किसी वस्तु के ऊपर अनेक बल लग रहे हों तो उस बल का परिमाण कितना होगा? यदि बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, ये दो बच्चे इसके ऊपर बल लगा रहे हैं, इसका मतलब दो बल इसके ऊपर तो लग रहे हैं, दोनों बच्चों द्वारा अलग अलग बल लगाया जा रहा है इसलिए दो बल लग रहे हैं, तो कुल बल कितना होगा इसके ऊपर, बल का परिमाण कितना होगा? दोनों बलों के योग के बराबर। किसके बराबर? दोनों बलों के योग के बराबर बल होगा, क्योंकि बल एक ही दिशा में लग रहे हैं। यदि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में बल लग रहे हो तो कुल बल कितना होगा, यानी बल का कुल परिमाण क्या होगा, उन सभी बलों के योग के बराबर होगा। किंतु यदि बल इसके विपरीत दिशा में लग रहे हो, जैसे एक इधर लगा रहा है एक इधर लगा रहा है, दोनों विपरीत दिशा में बल लगा रहे हो, तो बल का परिमाण क्या होगा? तो बल का परिमाण इनके बलों के अंतर के बराबर होगा। यदि बल विपरीत दिशा में लग रहे हो तो बल का कुल परिमाण बलों के अंतर के बराबर होगा, और यदि एक ही दिशा में लग रहे हो तो बलों के योग के बराबर होगा। इसमें अंतर, अब ये बॉक्स किधर चलेगा, किस दिशा में गति करेगा? जिस दिशा में बल अधिक लग रहा होगा उसी दिशा में करेगा, और किसके बराबर होगा बल का कुल परिमाण? अंतर के बराबर होगा। मान लिया ये बच्चा अधिक बल लगा रहा है और ये कम लगा रहा है, तो ये इस दिशा में गति करेगा, और यदि ये अधिक बल लगा रहा है ये कम लगा रहा है, तो इस दिशा में गति करेगा, और वो अंतर के बराबर होगा बल। अब मान लिया कि आप देखिए, यहां पर दो टोलियां आपस में बल लगा रही हैं इसके ऊपर, इस रस्सी पर, और यदि बल दोनों तरफ बराबर लग रहा हो, ये इधर और ये इधर विपरीत दिशा में है, और बल बराबर लग रहा हो, तो ये किधर जाएगा? किसी भी तरफ नहीं खिसकेगा, क्योंकि जितना बल इस टोली ने लगाया ए ने, उतना ही बी ने लगा दिया, और दोनों विपरीत दिशा में हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे और ये प्रभाव शून्य हो जाएगा, और वस्तु किसी भी दिशा में गति नहीं करेगी। तीन बातें हो गई हमारे पास। यदि एक ही दिशा में बल लग रहे हो तो कुल बल का परिमाण उन बलों के योग के बराबर होगा। यदि विपरीत दिशा में लग रहे हो, अगर बल बराबर हैं तो किसी भी दिशा में गति नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। और यदि विपरीत दिशा में लग रहे हैं बल, और एक बल अधिक और दूसरा कम है, तो गति अधिक बल की दिशा में होगी। तो इसमें कुल परिमाण दोनों बलों के योग के बराबर, इसमें कुल परिमाण दोनों बलों के अंतर के बराबर, इसमें भी दोनों बलों के अंतर के बराबर। यदि बल समान हो तो कुल परिमाण शून्य हो जाता है। अब देखिए, वस्तु पर बल के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, हम पहले भी ये कर चुके हैं और अब हम दोबारा इसको करते हैं। मान लिया कि एक गेंद विराम अवस्था में है और उसके ऊपर बल लगाया जाता है, तो वह बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर देती है। जैसे यहाँ पर हाथ से इस गेंद के ऊपर बल लगाया गया और इस दिशा में बल लगा, तो गेंद ने भी गति की दिशा यही, इसी दिशा में गेंद गति करती है। यानी बल लगाने पर कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो वो गति अवस्था में आ सकती है, यानी आ जाती है। यदि बल हम लगातार लगाते रहते हैं तो ही वस्तु गतिशील अवस्था में रहेगी। यानी किसी भी वस्तु को गतिशील अवस्था में रखने के लिए उसके ऊपर लगातार बल लगाना पड़ेगा। जैसे ये बच्चा टायर के ऊपर लगातार बल लगाता है तो ही ये टायर गति करेगा, अगर ये बल लगाना छोड़ देगा तो ये टायर गति करना भी बंद कर देगा।
तो कहने का मतलब बल लगाने पर कोई वस्तु विराम अवस्था से गति अवस्था में आ सकती है, लेकिन वस्तु को गति अवस्था में लगातार बनाए रखने के लिए हमें उसे उसके ऊपर लगातार बल लगाना पड़ेगा। इसी तरह से यदि कोई वस्तु लगातार गति अवस्था में है और हम, आप देखिए, उसके सामने एक स्केल रख देते हैं या उसकी दिशा में उसमें कोई अन्य बल लगा देते हैं, जैसे कि गेंद, क्रिकेट में गेंद जो है बॉलिंग करते हैं तो बैट से उस बॉल की दिशा को बदल दिया जाता है, तो हम बल लगाकर किसी भी वस्तु की गति की दिशा को भी बदल सकते हैं। यहाँ पर ये बॉल इस दिशा में जा रही है, ये स्केल आगे रख दिया गया तो बॉल की दिशा बदल गई, क्योंकि बल लगाकर हम वस्तु की गति की दिशा भी बदल सकते हैं। तो बल लगाकर यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको गति में ला सकते हैं, और विराम गति अवस्था में रखने के लिए उसके ऊपर लगातार बल लगाना आवश्यक है। बल लगाकर हम गति अवस्था की वस्तु को रोक भी सकते हैं, यानी विराम अवस्था में भी ला सकते हैं। बल लगाकर हम वस्तु की गति की दिशा को बदल भी सकते हैं, जैसे इसमें बदला गया है स्केल लगाकर। इसी तरह से बल लगाकर हम वस्तु की आकृति को भी बदल सकते हैं। आकृति कैसे, जैसे हम आटा गूंथते हैं तो लगातार उसके ऊपर बल लगाते हैं और आटे का जो है, गूंधे हुए आटे का जो है आकृति लगातार बदलती रहती है, ये हम सब ने देखा है, यानी उसकी आकृति बदली जा सकती है। गेंद के ऊपर बल लगाकर उसको, रबर की गेंद पे जब हम बल लगाते हैं तो पिचक जाती है, उसकी आकृति बदल जाती है। स्प्रिंग को खींचकर उसकी आकृति बदल सकते हैं। तो इस तरह से बल के वस्तु पर क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, यानी विराम अवस्था में यदि कोई वस्तु है तो उसको गति में लाया जा सकता है, गति वाली वस्तु को हम विराम अवस्था में ला सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी वस्तु की गति की दिशा को बदल सकते हैं, किसी भी वस्तु के आकृति को बदल सकते हैं। ये वस्तु के ऊपर किसी भी बल के प्रभाव हैं। आज के लिए इतना ही काफी, और आगे हम बल के प्रकार करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपने चारों सफाई बनाए रखें।